हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS टू MPS एग्जाम, जो कि 2020 में उत्तराखंड सर्किल में हुआ था। आज हम लोग उसके सॉल्यूशन को देखेंगे और इस पेपर में आपको बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो आउट ऑफ सिलेबस मिलेंगे। अगर आप लोग चाहो तो उनको छोड़ भी सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन है कि 50 ग्राम के लिए वन इंडिया वन रेट स्पीड पोस्ट चार्जेस क्या है। तो सिंपली आप लोगों को इस लाइन का मीनिंग याद रखना है कि एक भारत एक स्पीड पोस्ट का चार्ज 50 ग्राम के लिए कितना रुपया लगेगा। उसके लिए लगेगा पहले 25 रुपये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। स्पीड पोस्ट से संबंधित एक बात का और ध्यान रखें कि बात हो चाहे विदेशी स्पीड पोस्ट के लिए चाहे हो डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट के लिए, दोनों के लिए अधिकतम वजन की जो सीमा है वो 35 किलोग्राम ही होती है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया कि मेल बैग क्या है। मेल बैग क्या है कि क्या ये एक ड्यू बैग है या एक नॉट अ ड्यू बैग है या अनयूजुअल बैग है। ड्यू बैग क्या होता है, इस बात का सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि एक ऐसा कोई भी बैग अगर उसके लिए कोई आर्टिकल है, यानी कि उस बैग में जाने के लिए कोई आर्टिकल अगर है आपके पास में या नहीं है, आर्टिकल है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको वो बैग बनाना ही होगा। अगर आर्टिकल है तो आप लोग ड्यू बैग में उसको भेजें, उस बैग को भेजें, और आर्टिकल अगर नहीं है तो आप लोगों को निल की रिपोर्ट डाल के आप लोगों को वो बैग भेजना ही होगा। और नॉट अ ड्यू बैग का क्या मतलब है, नॉट अ ड्यू बैग का सिंपली मीनिंग है कि अगर आपके पास में आर्टिकल है, अगर आपके पास में आर्टिकल है तो आप लोग उस बैग को बनाएं, और आर्टिकल नहीं है उस बैग से संबंधित तो आपको वो बैग बनाने की जरूरत नहीं है। तो मेल बैग क्या है, तो मेल बैग एक ड्यू बैग है, यानी कि अगर आपके पास आर्टिकल है तब भी भेजना पड़ेगा, आर्टिकल अगर नहीं है तो भी आपको भेजना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर तीन, तीसरे प्रश्न में पूछा गया कि पहचान पत्र किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो सिंपली पोस्ट ऑफिस आपके लिए पहचान पत्र जारी करेगा। तो कौन सी ऑफिस आपके लिए पहचान पत्र जारी करती है, इस बात का ध्यान रखें, HO हेड ऑफिस प्रधान डाकघर जो होते हैं वो आइडेंटिटी कार्ड जारी करते हैं। सेकंड केस जो कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है कि अगर किसी को आइडेंटिटी कार्ड बनवाना है तो उस संबंध में लिखित में जो एप्लीकेशन है वो HO में या सब ऑफिस में, दोनों ही जगह दी जा सकती है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन किसी ने एप्लीकेशन SO में दी आइडेंटिटी कार्ड के लिए, तो वो एप्लीकेशन उसकी जांच परख करने के बाद में HO के लिए भेजी जाती है और HO उसके लिए आइडेंटिटी कार्ड जारी करते हैं। तो आइडेंटिटी कार्ड कौन जारी करेगा, पहचान पत्र किसके द्वारा जारी होंगे, तो हेड ऑफिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। लेकिन पॉइंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आइडेंटिटी कार्ड के लिए अगर कोई एप्लीकेशन देना चाहता है, कोई आवेदन देना चाहता है, तो वो आवेदन कहां पर जारी दिए जा सकते हैं, वो आवेदन कहां के लिए संबोधित किए जा सकते हैं या कहां पर सबमिट किए जा सकते हैं, तो उस बात का आप लोग ध्यान रखें कि वो ऐसी एप्लीकेशन HO या SO में से कहीं पर भी दी जा सकती है। अगर HO में देंगे तो HO आपके लिए आइडेंटिटी कार्ड जारी करेगा, अगर SO में देंगे तब भी आपके लिए हेड ऑफिस ही आइडेंटिटी कार्ड जारी करेगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर चार में पूछा गया कि फ्रैंकिंग इंप्रेशन किस रंग में होना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग गांठ बांध के इस आंसर को लिख लें कि जब भी आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि फ्रैंकिंग मशीन किस रंग में होना चाहिए या फ्रैंकिंग मशीन की छाप किस कलर की होनी चाहिए, तो आप लोग गांठ बांध के रख लें, उसका आंसर आपको रेड करना है। अगर आपको एग्जाम में नंबर लेके आने तो उस केस में आप लोग ध्यान रखें, रेड कलर की छाप होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें और इनको भी आप लोग गांठ बांध के रख लें कि जो दो शब्द, कौन कौन से दो शब्द, एक है वैल्यू डाई और दूसरा है लाइसेंस डाई, ये जो दोनों शब्द हैं वो फ्रैंकिंग मशीन से ही संबंधित हैं। और फ्रैंकिंग मशीन के जब लाइसेंस की बात की जाएगी कि लाइसेंस कौन जारी करेगा, तो लाइसेंस जारी करेंगे मंडल प्रमुख। मंडल प्रमुख कौन होते हैं, मंडल प्रमुख या तो SP होंगे या SSP होंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो मंडल प्रमुख फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस जारी करते हैं। फ्रैंकिंग मशीन के जो लाइसेंस के लिए जो फीस ली जाएगी वो ली जाती है 375 रुपये 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के बाद में अगर कोई लेट फी के साथ में अगर कोई फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को
रिन्यू करवाएगा, रिन्यूअल करवाते हैं, तो उस केस में 100 रुपये उनसे एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, यानी कि टोटल जो चार्ज लगेगा वो कितना लगेगा, 475 रुपीज लगेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये जो प्रश्न है वो प्रथम श्रेणी की डाकों से संबंधित है, प्रथम श्रेणी की डाकों से संबंधित है। तो आप लोग एक बात का ध्यान रखें कि डाकों को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, पहला है प्रथम श्रेणी, दूसरा है द्वितीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी की डाकों में कौन कौन से आते हैं, तो प्रथम श्रेणी की डाकों में लेटर्स आते हैं, इनलैंड लेटर कार्ड ILC जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, अंतरदेशीय लेटर कार्ड जिसे हिंदी में बोला जाता है वो आते हैं, और उसके बाद में PC यानी कि पोस्ट कार्ड। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, शॉर्ट में अगर आपको PC मिले तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये जो तीनों है वो प्रथम श्रेणी की डाक है। इनके अलावा क्या हो सकता है, इनके अलावा रजिस्टर्ड पोस्ट हो सकता है, स्पीड पोस्ट हो सकता है, पार्सल हो सकता है, बुक पैकेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हो सकता है, वो सभी सेकंड क्लास की मेल्स में आता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। एक प्रश्न और पूछा जाता है प्रथम श्रेणी की डाकों से संबंधित, वो प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्रथम श्रेणी की जो डाक है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, इस बात का ध्यान रखें, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी चार्जेस के फ्री ऑफ कॉस्ट हवाई माध्यम से भेजा जाता है। कैसे भेजा जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जहां भी संभव होगा हवाई माध्यम से भेजा जाएगा। तो ये पूछा जाता है आपसे कि प्रथम श्रेणी की डाकों को किस स्कीम के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट हवाई माध्यम से भेजा जाता है, तो उस स्कीम का नाम आप लोग ध्यान रखें, उस स्कीम का नाम है ऑल अप स्कीम। ऑल अप स्कीम, क्या ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ प्रथम श्रेणी की डाकों के लिए है, तो इसका आंसर है कि ये जो ऑल अप स्कीम है वो प्रथम श्रेणी की डाकों के अलावा मनी ऑर्डर्स को भी ये सुविधा प्रदान करता है कि जहां भी संभव हो इनका जो ट्रांसमिशन है वो हवाई माध्यम से किया जाना चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर छह भी आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। इसमें दिया हुआ है कि IPO किस मूल्य वर्ग में उपलब्ध है, यानी कि जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर है वो किस मूल्य वर्ग में होते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर से संबंधित बहुत सारी चीजें आप लोग एक ही क्वेश्चन में ध्यान रखें, और वो क्वेश्चन आपका ये है कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 7 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का और 100 रुपए के जारी किए जाते हैं। टोटल ये कितने हो गए, तो टोटल हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस बात का ध्यान रखें कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर 8 मूल्य वर्ग में उपलब्ध होते हैं। कौन कौन से, 1 रुपए का पोस्टल ऑर्डर, 2 रुपए का पोस्टल ऑर्डर, 5 रुपए का पोस्टल ऑर्डर, 7 रुपए का पोस्टल ऑर्डर, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर, 20 रुपए का पोस्टल ऑर्डर, 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर और 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर। एक इंपॉर्टेंट बात जो भी आपको ध्यान रखनी है वो ये पूछा जाता है कि अगर आपका इंडियन पोस्टल ऑर्डर 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 7 रुपए का हो या 10 रुपए तक का है, तो उस केस में इस पर कितना कमीशन लगता है। तो इन सबके लिए एक ही आंसर है, वो ये है कि भले ही आपका पोस्टल ऑर्डर 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 का हो, 7 का हो या 10 का हो, उस पर जो कमीशन है वो 1 रुपया लगता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। 20 रुपए का अगर पोस्टल ऑर्डर है तो उस पर कमीशन लगेगा 2 रुपए, 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर है तो उस पर कमीशन लगेगा 5 रुपए और 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर है तो उस पर कमीशन लगेगा 10 रुपए। तो इस कमीशन को आप लोग नोट डाउन कर लें, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो टोटल आप लोगों को क्या पता चल गया कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर 8 मूल्य वर्गों में उपलब्ध होते हैं। हाईएस्ट जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर है वो 100 रुपए का उपलब्ध होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। प्रश्न में आपसे पूछेगा कि अधिकतम इंडियन पोस्टल ऑर्डर किस मूल्य वर्ग के होते हैं, ऑप्शंस में देगा आपको 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए और 200 रुपए। देखने में 200 रुपए हाईएस्ट लगेगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए तक के ही आपके पास में इंडियन पोस्टल ऑर्डर उपलब्ध होते हैं, मैक्सिमम 100 रुपए का ही है, इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि 100 रुपए ही इसका आंसर होगा। प्रश्न में आपसे तीन प्रश्न हो गए, पहला 8 मूल्य वर्गों में इंडियन पोस्टल ऑर्डर होते हैं, दूसरा कमीशन वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, तीसरा अधिकतम कितने रुपए का इंडियन पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस में मिल जाता है वो भी आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर की मुद्रा अवधि क्या है, मुद्रा अवधि से मतलब है कि उसका करेंसी पीरियड क्या है। तो एक इंडियन पोस्टल ऑर्डर का करेंसी पीरियड 24 महीने या 2 साल होता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इस अवधि को 12 माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है,
यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 36 महीने, 12 महीने या एक साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। कब बढ़ाया जा सकता है, जब ये जब समय पूरा हो जाएगा उसके बाद में कोई व्यक्ति आएगा, पहले जितना भी कमीशन लगा था, जैसे 100 रुपये पर 10 रुपये कमीशन लगाए, तो दूसरी बार उनको 10 रुपये ही कमीशन देने होंगे 100 रुपये पर, और फर्स्ट कमीशन इज इक्वल टू सेकंड कमीशन, यानी कि जो पहला कमीशन लिया गया था दोबारा ही उतना कमीशन दे करके कोई भी व्यक्ति अपने इंडियन पोस्टल ऑर्डर की जो मुद्रा अवधि है, करेंसी पीरियड है, उसे 12 महीने या एक साल से बढ़वा सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इस तरीके से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया ईएमएस का पूरा नाम बताइए। ईएमएस की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। ईएमएस की फुल फॉर्म है, एक बात ध्यान रखें आप लोग, इसका आंसर एक्सप्रेस मेल सर्विस है, इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस नहीं है। इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सप्रेस मेल सर्विस होगा इसके लिए सही आंसर। यानी कि 7 क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें प्रश्न में भी आप लोगों को स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, 8वें प्रश्न में पूछा गया कि यदि लेटर बॉक्स में फ्रैंक लेक पाया जाता है तो क्या होगा। एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पास में लेटर बॉक्स है और लेटर बॉक्स में गलती से किसी ने फ्रैंकिंग मशीन की छाप वाला आर्टिकल, जिसे हम लोग फ्रैंक्ड आर्टिकल कहते हैं, फ्रैंक्ड आर्टिकल कहते हैं, अगर गलती से किसी ने पोस्ट कर दिया तो उस आर्टिकल को अनपेड आर्टिकल की तरह माना जाता है। अनपेड आर्टिकल का मतलब है कि ऐसा आर्टिकल जिसके लिए कोई भुगतान नहीं किया गया, यानी कि बिना भुगतान वाला आर्टिकल माना जाता है, अनपेड आर्टिकल माना जाएगा। और उस अनपेड आर्टिकल के साथ में क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, क्या इसको रिटर्न टू द सेंडर करते हैं या आगे प्राप्तकर्ता के पास में भेजते हैं। तो इसका ध्यान रखें, आर्टिकल को अनपेड माना जाएगा लेकिन प्राप्तकर्ता के पास में उसको डिलीवर करने के लिए भेजते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है आरएमएस डिवीजन के प्रभारी कौन है। तो प्रभारियों से संबंधित आप लोग बहुत सारी चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले आप लोग लिखे कि हेड ऑफ द सर्कल, सर्कल के प्रमुख कौन होते हैं, तो सर्कल के प्रमुख होते हैं सीपीएमडी, जिसे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं सीपीएमडी कहते हैं, पूरा नाम क्या है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। इस बात का ध्यान रखें। सर्कल्स को फर्दर रीजन्स में बांटा गया है और रीजन्स के जो हेड होते हैं, रीजन्स के जो प्रमुख होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं पीएमजी। पीएमजी का मतलब है पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल। और उसके बाद में रीजन्स को आगे किसमें डिवाइड किया गया, रीजन्स को आगे डिवीजन्स में डिवाइड किया गया और डिवीजन्स को भी दो कैटेगरीज में बांटा गया। डिवीजन्स दो कौन कौन से, पहला है पोस्टल का डिवीजन और दूसरा है आरएमएस का डिवीजन। तो प्रश्न भले ही आपसे कोई सा भी पूछा जाए, चाहे आपसे आरएमएस डिवीजन के हेड पूछे या पोस्टल डिवीजन के हेड पूछे, तो दोनों के जो हेड होते हैं वो एसपी या एसएसपी होते हैं। कौन होंगे, एसएसपी या एसपी होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका डिवीजन बी कैटेगरी का है तो उसके हेड होंगे एसपी, और ए कैटेगरी का है तो उसके हेड होंगे एसपी, एसएसपी होंगे। बी कैटेगरी के हेड कौन होंगे, अगर डिवीजन आपका बी कैटेगरी का है तो हेड होंगे एसएसपी, और ए कैटेगरी का है तो उसके हेड होंगे एसएसपी। इस बात का ध्यान रखें। डिवीजन आरएमएस डिवीजन के हेड कौन, आरएमएस डिवीजन के हेड होंगे आरएमएस के अधीक्षक या आरएमएस के वरिष्ठ अधीक्षक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। एसएसपी कौन से डिवीजन के हेड होते हैं, ए कैटेगरी के जो डिवीजन होते हैं उनके हेड होते हैं एसएसपी, और एसपी कौन से डिवीजन के हेड होते हैं, जो बी डिवीजन होते हैं, बी कैटेगरी के जो डिवीजन हैं उनके हेड होते हैं एसपी। इस बात का ध्यान रखें। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, इसको हम लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन के आगे आप लोग काट के लिख दें आउट ऑफ सिलेबस। ये क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने 2020 के क्वेश्चंस कर लिए, 2022 के क्वेश्चन पेपर कर लिए, वहां पर एक बार भी रिपीट नहीं हुआ। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है और आई थिंक ये डिलीट भी हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये पूछा गया कि मनी ऑर्डर कितने समय के बाद व्यर्थ हो जाता है। व्यर्थ से मतलब है कि वो वॉइड कब हो जाता है। तो मनी ऑर्डर से संबंधित बहुत सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखें कि ईएमओ, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर होते हैं ईएमओ, ईएमओ का पूरा नाम क्या है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ईएमओ का पूरा नाम सबसे पहले आप लोग लिखें, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। दूसरा, ईएमओ से संबंधित एक प्रश्न और ध्यान रखें कि ईएमओ न्यूनतम 1 रुपए का करवाया जा सकता है, और न्यूनतम के बाद में बात करें अधिकतम की, तो अधिकतम ईएमओ 5,000 रुपए का बुक किया जा सकता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। दोनों
और उसके बाद में तीसरा पॉइंट, तीनों पॉइंटों का आप लोग ध्यान रखें। बात करें मनी ऑर्डर के वॉइड होने की, अगर आपका मनी ऑर्डर 3 अप्रैल को जारी हुआ है, यानी कि जिस महीने में किसी भी तारीख को जारी हुआ है, उसके बाद जो भी अगला महीना आएगा यानी कि मई आएगा, और मई का जो लास्ट तारीख होगी यानी कि जो अंतिम तिथि होगी अगले महीने की, जो भी अंतिम तिथि होगी उसके बाद में ये जो मनी ऑर्डर है वो वॉइड हो जाएगा, यानी कि अगले महीने की अंतिम तारीख को ये मनी ऑर्डर वॉइड हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें प्रश्न में पूछा गया कि यदि एक अपंजीकृत लेख डिलीवरी के कार्यालय में खुली और फटी हालत में प्राप्त होता है तो उसके साथ में क्या होगा। बात करें अपंजीकृत लेख के बारे में और वो डिलीवरी के कार्यालय में यानी कि ऑफिस ऑफ डिलीवरी में रिसीव हुआ है, खुली स्थिति में आया, डैमेज स्थिति में आया, फटे हालत में आया है, तो उसको क्या करते हैं, उसको एक अच्छे से कवर में पैक करके उसे आगे वितरण के लिए भेज दिया जाता है, डिलीवरी के लिए भेज दिया जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें प्रश्न को आप लोग पहले कर चुके हैं। 13वां प्रश्न है कि 100 रुपए के पोस्टल ऑर्डर के लिए देय कमीशन कितना है। जो लोग बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे उनको पता है इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और क्या बातें बताई थी, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो आप लोग वीडियो को बाद में ले जाएं, बैक करते हुए ले जाएं और उन बातों को जरूर सुने। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें प्रश्न में पूछा गया कि पोस्ट कार्ड की आकार सीमा क्या होती है, तो साइज लिमिट ऑफ पोस्ट कार्ड क्या होती है। आप लोग ध्यान रखें प्रश्न एज इट इज यानी कि सीधा का सीधा ऐसे ही पूछा जाएगा कि पोस्ट कार्ड की आकार सीमा क्या है या आयाम कितने हैं, तो उसका आंसर होगा 14x9 यानी कि लंबाई और चौड़ाई की बात करेगा तो 14x9 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें जो क्वेश्चंस को आप लोग हिंदी में ना पढ़े इंग्लिश में पढ़े। इंग्लिश में है कि द बार कोड वुड कंटेन, यानी कि जो बार कोड होता है, बार कोड किसका होगा, यानी कि रजिस्टर लेटर्स का होगा या स्पीड पोस्ट का होगा या पार्सल का होगा या अन्य किसी अकाउंटेबल आर्टिकल का होगा, तो ये पूछा जाए कि उसमें कितने कैरेक्टर होते हैं। अब ध्यान रखें, बहुत सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आपका जो बार कोड होता है उसमें अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। क्या होते हैं उसमें, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा किसे कहते हैं, न्यूमेरिक किसे कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। अल्फा का मतलब होता है सिंपली ए बी सी डी, इस तरीके से आपकी अल्फा हो गए। न्यूमेरिक का मतलब है 1, 2, 3, 4, इसे कहते हैं न्यूमेरिक। न्यूमेरिक को कई बार आप लोगों को डिजिट्स भी कहेगा और कई बार इसको फिगर्स भी कहा जाता है। तीनों का मीनिंग एक ही है, तीनों को हिंदी में कहते हैं अंक, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो करेक्टर की बात कर रहा है, बहुत अच्छा है, यहां देखेंगे अक्षर, यहां गलत हो जाएगा आपका, हिंदी में आप लोग ना देखें इसको। तो सिंपली जो आपका बार कोड होता है वो कैसे स्टार्ट होगा, जैसे रजिस्टर्ड लेटर के लिए है इस तरीके से आपका आर्टिकल नंबर है और आई एन पर खत्म होगा, आर आर से स्टार्ट होता है, आई एन पर खत्म होता है। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है रजिस्टर्ड, आर का मतलब है रजिस्टर्ड। इस आर का मतलब क्या है, इस आर का मतलब है सर्कल, जैसे राजस्थान सर्कल के लिए क्या है आर, यूपी सर्कल के लिए क्या आएगा यू, इस तरीके से चलता है ये। आई एन का मतलब क्या है, वो संबंधित देश, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का मतलब हो गया आई एन, तो आई एन चलता है इंडिया के लिए। और इसके बीच में कितने अंक होते हैं, इसके बीच में आपके 9 अंक होते हैं, 9 अंक होते हैं, तो कितने का हो गया, इस तरीके से आप लोग इसको लिख लें एक बार, इस तरीके से आप लोग लिख लें, यहां आपके हैं 9 अंक, तो टोटल कितने हो गए, 2+2, 4 आपके अल्फा हो जाएंगे, 4 आपके अल्फा हो जाएंगे, 9 आपके अंक हो जाएंगे, तो टोटल कितने करेक्टर हो गए, टोटल 13 करेक्टर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें प्रश्न में पूछा गया कि रेलवे मेल सेवा द्वारा भेजे गए बैग के लिए अधिकतम वजन सीमा क्या है। यह प्रश्न आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, यह प्रश्न एक्चुअल में यह प्रश्न है, एयर टीवी की बात करें या एयर मेल बैग की बात करें, इसके लिए अधिकतम वजन सीमा क्या है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाए, तो इसके लिए सही आंसर है 30 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें प्रश्न पूछा गया कि रेलवे स्टेशन पर पत्र के क्लियरेंस का समय कौन निर्धारित करता है। इसका भी आप लोग ध्यान रखें, आरएमएस के अधीक्षक यानी कि एसएसआरएम यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस या सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस, इसका मतलब है एसएसआरएम या एसआरएम, इसका बात इस बात का ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां प्रश्न आप लोग यहां लिख लें, आउट ऑफ सिलेबस।
आउट ऑफ सिलेबस। ये प्रश्न भी आपका डिलीट हुआ होगा। क्वेश्चन में है कि आमतौर पर मेल सूची कितने कॉपी में बनाई जाती है, तो ये डुप्लीकेट में बनाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न में पूछा गया OIGS और FOAS का पूरा नाम क्या है। OIGS का पूरा नाम है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस और FOAS का पूरा नाम है फ्री ऑन एक्टिव सर्विस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इस पर भी आप लोग लिख लें आउट ऑफ सिलेबस। कितना शानदार पेपर बनाया है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन में कि किस बैग को बंद करने के लिए टिन सील का इस्तेमाल किया जाता है, तो टिन सील का इस्तेमाल जब करेंगे जब किसी इश्यूड बैग को बंद करना हो या पत्र या पार्सल मिलकर कोई भारी या बड़ा बैग है उस केस में, यानी कि ए और बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करेंगे। 21वां प्रश्न हम लोग पहले ही कर चुके हैं, फ्रैंकिंग मशीन क्या है, तो फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित दो शब्द वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22वें प्रश्न में पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न, 22वां प्रश्न पूछा गया है कि पार्सल यूआर में कब तक भेजा जाता है। पार्सल से संबंधित तीन पॉइंट आप लोग ध्यान रखें कि अगर आपका यूआर पार्सल है, यूआर का मतलब होता है अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को हिंदी में कहते हैं अपंजीकृत। अगर आपका अपंजीकृत पार्सल है उसको अधिकतम वजन सीमा तक भेजने की जो लिमिट है वो है 4 किलोग्राम, यानी कि अनरजिस्टर्ड पार्सल अपंजीकृत पार्सल अधिकतम 4 किलोग्राम तक के भेजे जा सकते हैं। बात करें बीओ से पार्सल की बुकिंग होनी हो या बीओ में आर्टिकल का पार्सल का वितरण होना हो, यानी कि बीओ से पार्सल की बुकिंग हो या बीओ में पार्सल का वितरण हो उसके लिए अधिकतम वजन सीमा है 10 किलोग्राम। पार्सल की बुकिंग या बात करें पार्सल का वितरण एसओ या एचओ से होना हो उस केस में वजन की जो सीमा है वो 20 किलोग्राम है। तीनों पॉइंट आप ध्यान रख ले, तीनों ही प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। यहां पूछा जा रहा है अनरजिस्टर्ड पार्सल, यानी कि 4 किलोग्राम हो जाएगा इसके लिए सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, एक्चुअल में आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन ध्यान रखें कि पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन में कितने अंक होने चाहिए। ऐसे जो क्वेश्चन है वो जीके में पूछे जाए तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे क्वेश्चन डिपार्टमेंटल के सिलेबस में दे दिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। आप लोग ध्यान रखें कि जो पोस्टल इंडेक्स नंबर है पिन का पूरा नाम क्या है, इस बात का आप लोग नोट कर लें। यह भी पूछा जा सकता है, अगर ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो यह भी पूछा जा सकता है कि पिन का पूरा नाम क्या है। पिन का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर और ये कितने अंकों का होता है, ये 6 अंकों का होता है, इस बात का ध्यान रखें। आप लोग अपना पिन कोड भी देख सकते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24वें प्रश्न में थोड़ा सा मैं आपको छोड़ते हुए जाऊंगा इस प्रश्न के साथ में कि पोस्टकार्ड जो होते हैं सिंगल पोस्टकार्ड आपको मिलेगा, एकल पोस्टकार्ड मिलेगा, रिप्लाई पोस्टकार्ड आपको मिलेगा, जवाबी पोस्टकार्ड जिसे कहते हैं, उसके बाद में मिलेगा आपको मुद्रित पोस्टकार्ड यानी कि प्रिंटेड पोस्टकार्ड मिलेंगे, उसके बाद में मिलेगा आपको कंपटीशन पोस्टकार्ड यानी कि प्रतियोगिता पोस्टकार्ड आपको मिलेंगे। तो इनके जो रेट्स हैं आप लोगों को ध्यान रखना है, ये रेट्स आप लोग सर्च करें कमेंट सेक्शन में, इसके आंसर दें। मुद्रित यानी कि जो प्रिंटेड पोस्टकार्ड है इसकी जो वैल्यू है वो 6 रुपए की होती है, कंपटीशन पोस्टकार्ड 10 रुपए की इसकी वैल्यू होती है। दोनों ये मैंने आपको बता दिए, ये दोनों आपको सर्च कर लें, कहीं पर नोट कर रहे हैं तो नोट डाउन करके लिख लें और हमें बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन में, अगर आपको आता है तो आंसर जरूर करें। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25वें प्रश्न में पूछा गया कि कैश बैग युक्त एक पंजीकृत बैग को बंद करते समय किस मोहर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो यहां से बनेंगे हमारे 3 प्रश्न। पहला, ये आपका एक रजिस्टर्ड बैग है, ये आपका एक कैश बैग है। अगर रजिस्टर्ड बैग को हम लोग बंद करते हैं तो सामान्यतः इस पर क्या लगती है, रजिस्ट्रेशन सील लगती है। कैश बैग को बंद करते हैं तो कैश सील लगती है। प्रश्न में क्या है, कैश बैग युक्त एक पंजीकृत बैग, यानी कि एक रजिस्टर्ड बैग है, पंजीकृत बैग है, उसमें ही आपका कैश बैग है। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, अब यह पूछा जा रहा है कि इसको अब आप लोग कैसे सील करोगे। तो इसको एक्चुअल में जो सील करने का जो तरीका है, इस पर जो मोहर लगाने का जो तरीका है एक्चुअल में, वो है कि अगर आपके पास में
ट्रेजरी की डेट स्टैंप है, ट्रेजरी की डेट स्टैंप अगर है तो वो लगेगी। क्या लगेगा ऐसे बैग पर? ट्रेजरी की डेट स्टैंप लगेगी, ट्रेजरी की तारीख मोहर लगेगी ऐसे बैगों पर, यानी कि रजिस्टर्ड बैग में कैश बैग है तो उस केस में। अगर ये किसी ऑफिस में नहीं है तो उस केस में राउंड मनी ऑर्डर, गोलाकार जो मनी ऑर्डर होता है उसकी जो स्टाम्प है, राउंड मनी ऑर्डर की जो स्टाम्प है, यानी कि जो पोस्टमास्टर की जो राउंड मनी ऑर्डर स्टाम्प है, वो लगानी होती है। ऑप्शंस में आपको कुछ नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चले तो ऑप्शन नंबर बी को सही मान सकते हैं। एक बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि कैश बैग को, कैश बैग को हमेशा या तो अकाउंट बैग में बंद करके भेजेंगे या इसको रजिस्टर्ड यानी कि पंजीकृत बैग में भेजेंगे या फिर इसे बीओ बैग में भेजेंगे। तीनों में से किसी एक बैग में बंद करके इसे भेजा जाता है कैश बैग को, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। क्या कैश बैग को हम लोग लूज नहीं भेज सकते हैं? लूज से मतलब है कि आप लोगों ने एक कैश का बैग बनाया और उसको ऐसे ही जाने दिया, क्या लूज बैग नहीं बना के भेज सकते हैं क्या? इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि कैश बैग को लूज बैग के रूप में भेजा जा सकता है। कब? जब उसको कोई कर्मचारी कैश बैग को लेने के लिए आ जाए। कर्मचारी से मतलब या तो कोई पोस्टमैन हो या विलेज का पोस्टमैन हो या आपका कोई कैश ओवरसियर है या अगर कोई अन्य कर्मचारी जैसे मेल ओवरसियर है, इंस्पेक्टर, कोई भी अगर आया है तो उसे बाई हैंड यानी कि लूज बैग में दे सकते हैं। अन्यथा आपको पता ही है कि कैश बैग को हमेशा या तो अकाउंट बैग में बंद करेंगे या फिर रजिस्टर्ड बैग में बंद करेंगे या फिर आप लोग इसे बीओ के बैग में बंद करके भेजते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26वां प्रश्न जीके वाला प्रश्न है, जीके में पूछा जाता, बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न में पूछा गया कि पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई, पिन कोड का जो सिस्टम है वो कब शुरू हुआ? तो पिन कोड की जो शुरुआत है वो 15 अगस्त 1972 को हुई थी, इसलिए इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27वां प्रश्न सही है लेकिन ऑप्शंस आपके गलत हैं। प्रश्न आपसे यहां से दो बनाएंगे, हम लोग दो प्रश्न बनाएंगे, दोनों के आंसर हम लोग जानेंगे। पहला है कि आरएमएस सेवा कब शुरू, तो आंसर आप लोग नोट डाउन कर ले 1854। आरएमएस की जो शुरुआत है वो 1854 में हुई थी। अब उसके बाद आप लोग ध्यान रखें एयर मेल सर्विस, हवाई जो सेवा है, हवाई जो डाक सेवा है, एयर मेल जो सर्विस है उसकी शुरुआत कब हुई, तो उसका आप लोग आंसर ध्यान रख लें 1911। यानी कि ऑप्शंस को देख के याद आ रहा है कि जो एयर मेल सर्विस है उसकी शुरुआत 1911 में हुई है और आरएमएस की शुरुआत 1854 में हो गई थी। दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए, दोनों का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 28वें प्रश्न पूछा गया कि किस बैग का उपयोग सरकार के उच्च अधिकारी के पत्राचार से किया जाता है। तो सरकार के उच्च अधिकारियों के पत्राचार के लिए अगर बैग का इस्तेमाल करना है तो उस बैग को कहते हैं स्पेशल बैग, ये स्पेशल बैग की परिभाषा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 आउट ऑफ सिलेबस, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, मेल सूची कितनी कॉपी में तैयार की जाएगी, तो इसे करेंगे डुप्लीकेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30वां प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है कि लेख का चेहरा मतलब, यानी कि फेस ऑफ एन आर्टिकल का क्या मतलब है, कि जिस तरफ आपका पता लिखा हुआ है, जिस तरफ आपका एड्रेस लिखा हुआ है उस तरफ के हिस्से को कहते हैं फेस ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि जिस ओर पत्र पाने वाले का पता लिखा हो उसको कहते हैं फेस ऑफ एन आर्टिकल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड, ये है अंत इस वीडियो का, धन्यवाद।